अरे देखो नए कपड़े का फाइबर कितना स्ट्रेची है। बहुत हुआ, दिन भर इसकी बकवास सुनी नहीं जाती मुझसे। इसके प्लान सोचना होगा। मेरे पास एक प्लान है। हम इस मोजे में छुप जाते हैं, फिर खेलते खेलते भाग जाएंगे। किसी का कुछ और कहना है क्या? अरे तुम्हारे प्लान्स कौन से अच्छे होते हैं? होते हैं क्योंकि मैं होशियार हूँ और तुम घोचू हो। तो ये काढ़ा है ना, झाड़ घोड़े जहाज सब छोटे कर देता है। और एक डाल्टन। हाँ, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं। एक आइडिया है। नहीं विलियम, तुम दो कैसे बन गए? अरे नहीं, ये तो अवरल है। अरे मैं तुम्हारे जैसा टिंकू चंद और होशियार बनने वाला हूँ। मैं बन गया। तुमने जादूगर जोजो का काला पिया क्या? हमारे लिए लाया। नहीं, सब पी लिया। तो अब हमारे पास दो दो जोज हैं, तो अच्छे प्लान्स मिलेंगे। पहला प्लान सोचने वाला जीतेगा। अरे छोटे लोगों को कितना बड़ा दिखता है ना। एक मस्त वाला आइडिया आया। शायद मेरा पेट खराब हो गया है। ओह, संस्कारी कुत्ते को क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर क्या हुई है? जेलर साहब, मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, इसीलिए सोचा एक गिफ्ट तो बनता है। एक डाल्टन डॉल कितना रियल है, वैसे किस फाइबर से बना है, ये तो पूछू पूछू भी करता है। अरे आराम से, अभी कच्चा है, बस यहीं पर रख दीजिए। जैसे ही अप्रैल को चाबियां मिल जाएंगी, हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। कितना घटिया गिफ्ट है। अरे भाई भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बस अभी कान थोड़े बड़े हो गए हैं। अरे चाबी मिल गई। अरे वो बाप रे, अब तो ये बीच से बड़ा हो गया। वो अभी तो यही था। वो देखो, शेरू के पैर में च्युइंगम अटक गई है। ये वो अवरल है। चाबी का है। ये मैं ये भी क्या क्या मुझे क्या 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 कर रहे हो? ये मैं क्या 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 मुझे क्या क्या क्या। गार्ड्स, किसी ने जेल की चाबी चुरा ली है। ये डाल्टन्स की ही करतूत है। अप्रैल कहाँ है? हाँ बताओ कहाँ है, जल्दी। अरे मधुमक्खी था भाई। क्या 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 क्या? विश्वास नहीं होता, अप्रैल अकेले ही भाग गया। गार्ड्स जल्दी उसे पकड़ के लाओ। अप्रैल
एवरेल भागने में कामयाब रहा। कितना होशियार है। भैया चाबी मेरे पास है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जा सकता है वो। दिख रहा क्या? यस। वो रहा, लेकिन बहुत छोटा है एवरेल। इसीलिए कहे कि बहुत दूर है। जाओ पकड़ो उसे। अब हम यहाँ से भागेंगे कैसे? अरे भाइयों, मोजे में छुप कर और क्या? ये करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, एवरेल बड़ा होशियार है। चलो मेरा पीछा करो। हाँ ये कौन से प्राणी है? हमको तो इन लोग कैटर पिलर लग रहा है। ओ, जो वो डाल्टन से जाओ पकड़ो उठे। कैटर पिलर में से डाल्टन निकले। अगली बार कोई प्लान सूझे तो अपने मुंह में मोजा डाल लेना। थोड़ा और ऊपर भागियो, हम आजादी के करीब बस पहुंच चुके हैं। अरे वाह एक्रोबैट्स, मुझे नहीं पता था यहाँ सर्कस का शो चल रहा है। मुझे भी कुछ करतब दिखाने आते हैं, देखना चाहोगे क्या? ये देखो। अच्छा था ना, एक और स्टंट दिखाऊं तुम्हें? आना तैयार है। आओ और संस्कार सिखाओ बच्चों। पता है ये मैंने खुद बनाया है। खाना आपने क्यों बनाया जलर साहब? रसोईया कहाँ चला गया? मेयर के कहने पर टाउन एनिवर्सरी के लिए खाने की तैयारी हो रही है। हमारा शेफ बहुत बिजी है, शायद उसे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाने तक का टाइम नहीं। ऐसा क्या? मस्त वाला आइडिया भाइयों, हम एनिवर्सरी के लिए बड़ा केक बनाएंगे और उसमें बैठ कर हम जेल के बाहर निकलेंगे और मिलेगी आजादी। स्मार्ट आइडिया ना। केक बनाओगे? अजीब बात है, ऑलरेडी बहुत कैदियों ने केक बनाने के लिए प्रस्तावना दे रखी है। ये मेरा आइडिया था। शायद मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। क्यों ना हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखे, जो सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगा वही टाउन एनिवर्सरी का केक भी बनाएगा। एक्सलेंट आइडिया, मैं बात से सहमत हूँ, कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। तो यहाँ तुम केक बनाओगे और गार्ड्स तुम पर नजर रखेंगे। क्या हम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन घोचों ने कभी किचन में पैर रखा होगा। तो कौन संस्कारी क्या बना रहा है? मैं हिमालयन संतरे के आउटफिट में क्रीम और डार्क चॉकलेट कुकी केक बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था एक रास्पबेरी मूस फ्लैन, जिसके बीचों बीच गांव के फूल सजेंगे। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। और तुम डाल्टन? हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे संस्कारी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट। हमें केक लगे वैसा कुछ तो बनाना ही होगा। काश हमें पता होता कि मिस बेटी को एग्जैक्टली क्या पसंद है। ये वही ना बात, हमें जीतने के लिए मिस बेटी के सबसे फेवरेट केक बनानी होगी। भाइयों कमरे में कोई नहीं है, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ढूंढो जिससे हमें उनकी फेवरेट चीज पता चले। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये देखो भाइयों, मिस बेटी की बचपन की तस्वीर है। इनका चेहरा तो देखो। वाह! रुको, ये क्या है? चेहरे पर खुशी तो देखो, शायद मुझे पता चल गया कि इनको कौन सा केक पसंद आएगा। स्पैचुला, ब्लेंडर, हथौड़ा, औरा।
किया, अब पकने का इंतजार करते हैं। हमारा केक तैयार है, ये चॉकलेट केक। केक कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो एक्रोबैट, फिर कुश्ती और अब जादू के खेल। वाह, ये तो केक निकला, अब चॉकलेट निकालो। एक बर्थडे केक, वाह, ये तो काफी ओरिजिनल है। क्या इतना सड़ा रिएक्शन, समझ नहीं आया, आपने बिल्कुल वैसा बनाया जो इस फोटो में। हाँ, लेकिन वो केक को नहीं बल्कि इस डॉल को देख रही थी। अच्छा है, जैसे कोई सादा चॉकलेट केक। बाकी केक देखते हैं। भाई तोड़ फोड़, गॉड्स को मैं संभाल लूंगा। तो कौन जीता कॉन्टेस्ट? डाल्टन्स कॉन्टेस्ट जीत गए हैं संस्कारों से। चलो भाई, असली केक तो अभी बनाना। अरे आटा किसके पास है? आटा मैं गूंदूंगा। लगता है सर्कस के शो के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। अब हमें बस अंदर जाना बाकी है। चला। डाल्टन्स ने कितनी संस्कारी मेहनत की है, काश वो ये सब देखने यहाँ पर मौजूद होते। हम गई परामिस बेटे, तैयार रहना भाई, अब पतली गली पकड़नी है। तो ये है आखिरी करतब, इसके अंदर जरूर कोई तरकीब होगी। है ये तो अपने डाल्टन से मजा आएगा। अब बस भैया थोड़ी देर और, बस पहुंचने वाले हम लोगों को। शायद तुम्हें कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं क्रीम धूप से पिघल जाती है। हम उसका पीछा करते हुए आ गए। गार्ड्स जाओ, इन्हें कूलर में रख दो। ओह प्लीज, इन्हें संस्कारी सजा देना। तुम ये केक नहीं खा सकते, चलेगा। आखिरी बार देखा था तब छोटू सा था। हाय जूनियर अंकल। तुम्हारा मेरी जेल में स्वागत है केविन। वाह, वो देखो डाल्टन्स, स्माइल। मेरे दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। मैं हूँ केविन और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लोग मुजरिम है बेटा। आप मजाक मत कीजिए, अमीरों से चोरी करके गरीबों को देते हैं। विलेन नहीं हीरो हैं ये। सच में मैं विलेन नहीं हीरो हूँ? देखा तुम लोगों ने, मैं उस लंबू नौजवान का आइडल हूँ, तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं वो कौन है जो प्लेन नहीं, जो स्पेसशिप भी नहीं, वो है सुपर है ब्रेल। विलेन नहीं हीरो। और फिर सोचो वहाँ बैंक लूटने कौन आता है, बिली बबलू। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मैं हूँ वो विलेन नहीं हीरो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता डाल्टन्स। ऐसा हो सकता है, बस हम फंसे हुए हैं, इसीलिए एक साथी चाहिए। एक साथी जो अपने अंकल से चाबी चुरा कर ले आए। सुपर एक लंबे बाल वाला साथी चाहिए हमें। हे, मैं कैसे रहूंगा, आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये। हाँ,
मुझे मम्मी को एक चिट्ठी लिखनी थी इसीलिए। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो केविन, बस दरवाजा बंद करना याद रखना। ठीक है केविन, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ? तुमने तो कहा था मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे। ओ जरूर जरूर, ये हमें आगे काम आ सकता है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। भागना पड़ेगा ये क्या? सावधान डाल्टन भाग रहा है। क्या वो केविन को उठा ले गए? अरे चिंता मत करो, सुपर एवरेल है ना। पगला गया का? क्या सही किया यार? दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन सौ रुपए। पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चोरी अगर तुम बिना हाथ के करो तो मैं मानता हूँ। कोई नहीं लेगा, हम लोग चोर है। अब बोलो बच्चे, ये कैसा था? मतलब ठीक ही था, लेकिन एक पैर से ट्रेन लूट के दिखाओ तो मैं मानता हूँ मैं। शायद वो कर सकता है। बोलो, है कोई हमारे जैसा? हाँ है, ऐसे बहुत दिखते हैं। ये मेरे उल्टे हाथ की खाएगा। मेरे पापा एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 15 गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी, गारंटी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो है बुलेट प्रूफ गाड़ी? नई टेक्निक है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि डिफेंस से अच्छा अटैक होता है। ठीक है, अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं डरते, हम तुम्हारी ये गाड़ी को ऊपर से नीचे तक लूट लेंगे। अपने हाथ ऊपर करो। डरो मत भाइयों, सुपर एवरेल अभी तक जिंदा है। विश्वास नहीं होता, आज दूसरी बार एवरेल ने बचाया। मिल गया, एक नंबर। आवारा काउबॉय की फर्स्ट एडिशन, और वो भी ओरिजिनल रैपिंग के साथ। मेरे पापा मुझे हाथ लगाने ही नहीं देते थे इसे। ये तुम्हारा खजाना है? क्या है इसमें? बहुत सारे कागज। तुमने उसका रैपर फाड़ के उसकी ओरिजिनल रैपिंग बिगाड़ दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा लंबे खंभे? लंबे खंभे में वजन भी है। केविन पीबॉडी, मैं तुम्हें इस गर्व सम्मान से नवाजित करता हूँ। तुम्हारी वजह से डाल्टन्स वापस अपनी सेल में पहुँच गए। हाँ, एक नंबर। बस हम तुम्हारी कॉमिक बुक नहीं ढूंढ पाए। ये सब बकवास स्टोरीज हैं। मैं अपनी खुद की कॉमिक बनाऊंगा, सुपर एवरेल। हमारी जेल में आपका हार्दिक स्वागत है, मुखौटा चंद जी। हर रोज हमें आप जैसे कैदी नसीब नहीं होते। एक्चुअली मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, समझ ही गए होंगे। ये खोचु कौन है? मुखौटा चंद,
एक प्लास्टिक सर्जन है जो गैर कानूनी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के सिलसिले में अंदर आया है। ये किसी की भी शक्ल वैसे एक चाकू से बदल सकता है। फिर तो एक मस्त वाला आइडिया आया है। आइडिया आया। अरे ये प्लास्टिक सूजन क्या होता है? प्लास्टिक से अपनी शक्ल बदलना? बस एक ऑपरेशन। ऑपरेशन? लेकिन मुझे तो खून से डर लगता है। कभी शक्ल देखी आपने? इन्हें पहले कहीं देखा लगता है। हाँ मैंने भी। अरे कौन है ये? ये हम है गोचू। शक्ल देखने जैसी नहीं है। हमें ऐसी शक्ल चाहिए जिससे लोगों को हम पर भरोसा हो, और फिर उस भरोसे की मदद से हम यहाँ से भाग जाएंगे, समझे? और फिर हम आईने में शक्ल भी देख पाएंगे। मुखौटा चंद को ऑपरेशन करने बोलते हैं। कैसा दोस्त? हम डाल्टन से और हम चारों को मिलाकर 3,000 साल की जेल हुई है। मैं हूँ डॉक्टर मुखौटा चंद। 6,000 से भी ज्यादा ऑपरेशंस अकेले ने की हैं। हमें इस बारे में बात करनी थी। तुम हमारा ऑपरेशन करके हमें कुछ ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा? तुम्हारा ऑपरेशन वो भी यहाँ? ये काम मुश्किल है और उसके लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। अरे मुझे नहीं करना, मुझे खुद से डर लगता है। मुझे मेरी शक्ल भी पसंद है। असिस्टेंट एनेस्थेसिया प्लीज। परफेक्ट, अब काम जल्दी होगा। एक एनेस्थेसिया कम लगेगा डॉक्टर। हो गया, आज से नई जिंदगी शुरू। अरे वाह, ये शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन ये स्माइल जबरदस्ती की तो नहीं लग रही है ना, कोई शक? नहीं, अच्छी लग रही है। डॉक्टर मुखौटा चंद, आपको ये कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती। अपनी थोड़ी एनर्जी बचा कर रखो, जानते हो ना क्यों? आओ मेरे साथ। हाय, गुड मॉर्निंग डाल्टन्स। ये इनकी शक्ल कुछ अलग क्यों लग रही है? मेरा इन पर भरोसा बढ़ रहा है। काम कर गया, मैं सही था। भाई बॉल लेकर आओ। डाल्टन लोग थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या डिफरेंस है। तुम्हारा मतलब वो पसंद आ रहे हैं? उपसे, देखिए ना, मैंने भूल से बॉल दीवार के उस तरफ फेंक दी है। पता नहीं, लेकिन दिल से आवाज फूट रही है कि भरोसा कर ले इन पे। और इनकी स्माइल तो देखो ना, कैसे बोले इन्हें। बहुत देर हो गया, अभी तक आए नहीं। ए भाइयों, यकीन नहीं हो रहा कि हम आजाद हो गए। चलो कोई बैंक लूटते हैं। ए भाइयों, अब हम भागना बंद कर दे क्या? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें बंदूक भाड़े पर चाहिए। जरूर, ऐसी स्माइल को कौन ना बोल सकता है। कौन सा खाता खुलवाना है? चोरी का खाता। सारे पैसे दे तो जल्दी। तुम और चो? मजाक कर रहे हो। हम डाल्टन्स हैं, खूंखार डाकू डाल्टन्स। डाल्टन्स? लेकिन उनके बाल काले हैं, गंदी शक्ल है, दुष्ट, भयानक, तुम्हारे एकदम अपोजिट हैं। आगे बढ़ो प्लीज। हम डाकू डाल्टन्स हैं। मम्मी, हम घर आ गए। माँ ने भी हमें नहीं पहचाना। हंस हंस के मेरा मुंह दर्द कर रहा है। ठीक है, हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, 24 घंटा में आ तो गए, लेकिन बॉल किधर है भाई? बॉल फिर बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन इस बार जल्दी आ जाना।
लगता है डाल्टन भाइयों के साथ कोई और भी था। गार्ड्स, क्या तुमने मुखौटा चंद को देखा? अगर मिले तो कहना कि वो समझ जाएगा। हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, समझा क्या? इसमें डाकू वाली फीलिंग ही नहीं आ रही हमें। बैक टू बैक ऑपरेशन रिस्की हो सकता है। हमें डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी ओरिजिनल शक्ल याद नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैंने ड्राइंग बनाई है। अच्छा, डॉक्टर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें तो पता है मैंने कैरिज्मेटिक चिन्ह मांगी थी, लंबी नहीं। बिका हुआ माल वापस नहीं लेते, लेकिन आप नया माल ले सकते हो अगर चाहो तो। वैसे ये ऑफर हमारे लिए भी है क्या? पहले तो तुम हो कौन? देख नहीं रहा क्या? हम डाल्टन हैं। डाल्टन सच्ची मुच्ची? एवरल, हमें जेल में और 3000 साल काटने हैं। उतने समय में तुम ड्राइंग क्यों नहीं सीख लेते? मिस बेटी ने अपने घर के लिए फिर से पर्दे मंगवाए हैं। अलग अलग 40 कलर है, पता नहीं मेरे सोफे से कौन सा मैच होगा। मैं यहाँ का जेलर हूँ, तुम्हारा कूली नहीं। अरे मुझे लगता है पिंक कुशन ग्रीन सोफा पे अच्छा लगेगा। संस्कारी रंग है। पिंक कुशन्स, हम चोर है चोर, गद्दा बनाने वाले नहीं। मिस्टर पीबॉडी, क्या एवरल मेरे पर्दे चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिस बेटी के पास जेल की चाबियां। आज शाम तुम वो चाबियां लेके आओगे और हम लोग छू हो जाएंगे। इस बुद्धू को चाबी मिलेगी कैसे? मैं उससे मांग लूंगा, सिंपल। अरे जो तुम मेरी नकल ठीक से नहीं कर रहे हो, तुरंत पकड़े जाओगे। वो तो जब चाबी ले आऊंगा तब पता चलेगा। आजकल बहुत खाने लगे हो तुम। उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है। अब चलो। अरे बॉय नहीं दाल, क्या कर रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? शायद सपना होगा। एवरल, तुम्हें कलर्स की समझ है? ग्रीन के साथ क्या पहनूं? चिकन येलो। वेलकम एवरल। बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मिशन चाबे। ठीक है, चाय तैयार है। ये क्या? वो फोटो फ्रेम बहुत अच्छी है ना? खैर, मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए, लेकिन दिखने में मॉडर्न लगे, जिसके कलर्स और टेक्सचर्स दोनों ही लाजवाब हो, और उसके फैब्रिक में वेलवेट से लेके लिनन तक के सारे संस्कार होने चाहिए। ओवरऑल ये एक संस्कारी घर लगना चाहिए। इन दोनों से कौन सा अच्छा है? बात यह है कि मैं अपना चश्मा कमरे में भूल आया। ओए, तुम्हें यह पसंद आया क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? डेकोरेटर बनके तो तुम वहाँ गए थे ना? मैंने जो पूछा वो सीधे से ना बता। मैं मर जाऊंगा। तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? एवरल, प्लेन टाई ज्यादा अच्छी है या स्ट्राइप्स वाले? स्ट्राइप्स। हाँ,
ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मुझे सब दो दो दिख रहे हैं। ये सपना बड़ा ही लंबा चल रहा है। आ जाओ। सपना समझकर कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब चीनी का एक दाना भी नहीं जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा कलर ज्यादा संस्कारी है। सब अपने अपने संस्कारों में बहुत ही माहिर है, लेकिन मेरे घर को कौन सा संस्कार ज्यादा सूट करेगा वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। काश मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड होती, मेरे लिए तो सब कुछ रेनबो जैसा है। ग्रीन कैसा रहेगा? इससे थोड़े शांति वाले संस्कार आएंगे। येलो से इंस्पायरिंग संस्कार आएंगे, शायद ठीक रहेगा। ब्लू से क्रिएटिव संस्कार आएंगे, शायद ब्लू की ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 नहीं, क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? लाइफ में संस्कार बहुत जरूरी है, और कलर्स भी संस्कार की तरह ही होते हैं। इससे बाहर ले जाओ। तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुमने कुछ कहा? ओहो शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चीनी खाना चाहोगे? चाबी मिल गई। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था। मुझे चाबी दो और मैं तुम्हें बिना सजा के छोड़ दूंगी। शायद मैंने ज्यादा ही चीनी खा ली। नहीं जाक, चाबी मुझे दो और भागो। रास्ते में कुछ खाने को मिले तो देखना। अब हम क्या करेंगे? मेरा पेट सच में खाली है। कोई नहीं हिलेगा हाथ ऊपर। अरे मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, तुम सब ये नए कलर में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई लोग भी बहुत खुश हैं। तुम डाल्टन्स के नाम पर दब्बा हो। माँ ये सुनेगी तो क्या उन्हें कहेगी? पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। अरे पिंक नहीं, मजेंटा पिंक। ये बहुत मुश्किल है। बहुत खूब डाल्टन्स, योगा ही हमारे संस्कार हैं। चिड़ियासन बढ़िया, खुजाओ बंदरासन, गिरगिटासन, वाह क्या अच्छे संस्कार हैं। संस्कार 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 संस्कार। वाह एवरल, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो। बस एवरल की तरह तुम भी अपने अंदर के जानवर को उड़ने दो। एक मस्त वाला आइडिया है, चल चल। संस्कार 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 संस्कार। ठेंगुचन बहुत ताकतवर है, उसे शुतुरमुर्ग आसन भी आता है। यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। इस भाग गया हूँ मैं तुम्हारी आवाज सुन के। तुम कान खोल के सुन लो। इसकी आत्मा तो बाहर आ गई। मुझे नहीं पता था इस छिलके में केला भी है। क्या बात है, ये तो दीवार के आर पार भी जा सकता है। क्या कहा? दीवारों के आर पार। ये कैसे कर रहा है? मुझे भी ये करना है। अगर करना है पार दीवार तो नहीं मानो हार।
मेरा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया है। आओ ठूसो। अरे अजीब बात है, देखो मेरा पेट खाली है लेकिन भूख नहीं है। कोई साथ? चुप चाप चाप या दादा। यस हम आजाद हो गए। हम लोग जा रहे हैं अलविदा शेरू। मेरे एलियन आका आ गए मुझे लेने। मैं आ रहा हूँ, रुको। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रुको, आत्मा के बच्चे जाओ अपने शरीर में वापस जाओ। नहीं तो क्या, ये बॉडी बहुत भारी है। अरे पर मेरी आत्मा और हल्की हुई जा रही है। सीधे सीधे अंदर जा वरना घुसेर दूंगा। जैसे आ गया बड़े भैया। गुड, अब चलो भागो। अरे भैया मैं भी आया। ये क्या केला आ गए और छिलका पीछे रह गया। अब ये भूतिया तरबूज कौन है? ठीक है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते भाई लोग। ओए ना समझो ये सब क्या हो रहा है। ये भूतिया नहीं असली दादाजी है, डरो मत। हमारे पर दादाजी सच बोल रहे हैं, तुम्हारी जो समस्या है उसका हल शायद उनके पास है। वो जो भी हो, पहले तुम मेरे भाई को उसके शरीर में ठूसो। अच्छा कर लेते हैं। एक महीने का राशन मिला तो हम तुम्हारी ये तकलीफ आसानी से दूर कर सकते हैं। डर कोई शक। पुनेल को घुसा के कार्य शुरू किया जाए। दादाजी को मत ले जाओ। ये ठीक हो गया। केला छिलके में आ गया। दादाजी बाहर निकलो। बात हो गया डाल्टन, चलो जेल में चलते हैं। योगा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ज्यादा ही फेंक रही है। क्या तुम मुझे कमर मरोड़ासन सिखा सकती हो? मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे काश मैं 200 साल छोटा होता। अरे जो मेरे भाई, तुम्हारी जगह कितनी छोटी है। चिंता मत करो, एक बार मारना शुरू करूंगा बहुत जगह बन जाएगी। कुछ तक कितनी शांति है ना। वैसे भी इतनी गर्मी में भागने की सोचेगा भी कौन। यहाँ गर्मी के मारे मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ जा रहा है और तुम सबको भागने की पड़ी है। चुप हो जा लंबू चंग, कोई सुन लेगा, समझा? काम हो गया भाई, दीवार खुल गई है, हम भाग सकते हैं। सबको अलर्ट हो जाओ भाई। जल्दी सुरंग से बाहर निकलो। चक्कर और अब बेवकूफ, जल्दी निकलो, वो लगा रहा है। इसमें कोई शक नहीं,
आज तो आजादी मिलेगी। बंदूक के नीचे वरना इस आम को आम पापड़ बना दूंगा मैं। ऐसा कैसे बना दोगे? दरवाजे खोलो वरना इस आम पापड़ को चूरन बना दूंगा। हमेशा लेट आते हो। इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे पकड़ोगे, पहले पकड़ो तो सही। तो फाइनली आम पापड़ बनेंगे कि नहीं? बन जाए तो मुझे जगा देना, ठीक है? मेरी बात सुनो, वैसे भी बहुत गर्मी है, तुम और मत बढ़ाओ प्लीज। मिस्टर पीबॉडी, मैं कुछ करती हूँ। देखो, शांति से बैठकर बात करना, यही हमारे संस्कार हैं। हम समझौता कर सकते हैं, राइट? चलो हम एक समझौता करते हैं। तुम मुझे बंदूक दे दो और मैं तुम्हें दीवार से जाने दूंगा। मैं शक्ल से तुम्हें बुद्धू लगता हूँ क्या? दरवाजा खोलो वरना किसी एक को उड़ा दूंगा। उसे किसी एक को छोड़ दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है, किसी एक को छोड़ दूंगा, बाकी तीन मेरे साथ चलेंगे। मुझे 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 शाम को खाने में छोले भटूरे हैं, मैं वो खा के आता हूँ। और कल के दुश्मन तुम हमें ढूंढोगे कैसे? अरे सिंपल, तुम अपना एड्रेस जेलर साहब को मेल कर देना। इसकी दवा का टाइम हो गया। अगर थोड़ा आम पापड़ बच जाएगा तो मैं अपने प्लेनेट ले जाकर सबको खिलाऊंगा। मैं यहाँ भागने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चलते हैं। मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाकर नागिन डांस करना है। हमें जाने दो वरना ये कभी डांस नहीं कर पाएगा। खाना तैयार है। छोले भटूरे। बात हुआ, अब से हम सिर्फ तीन डाल्टन्स भाई हैं। भाई जो हम एक परिवार है, माँ बहुत डांटेगी। तुम मुझे एवरल दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ये कैदी दे दूंगा। और फिर हम नहीं भाग पाए तो? लेकिन हमारे पास ये बंदूक तो है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लाल पहाड़ी की छत पे मिलो। मेरे साथ साथ पांच प्लेट छोले भटूरे भी मांग लो प्लीज। कोई चला के नहीं, ये छोले भटूरे मुझे दे दे ठाकुर। एवरल ये बंदूक पकड़ो। अपने हाथ ऊपर कर दो मोटे टकला। कहानी में ट्विस्ट, ये तो रोमांचक बनते जा रहा है। सुनो, सरेंडर कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो, कहा ना मुझे दोस्त की शादी में जाना है। शादी से याद आया, ना जाने मेरी कब होगी। आइडिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मेरी माँ सुनाया करती थी। मेरा कमकल भाइयों, कोई सोएगा नहीं, समझे? भागना तो होगा जागना। बहुत हुआ, नहीं चाहिए आम पापड़, मैं आम की गुठली से ही काम चला लूंगा। भाइयों सब सो गए हैं। वाह, अब हम यहाँ से पतली गली पकड़ते हैं और पतली के मोटी गली से भी निकल सकते हैं। हम आजादी के मतवाले अब हटते हवाले। सपने दिखाते ही क्यों हो जब उसे साकार ही नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? सभी सावधान हो जाओ। मोटी छोड़ो, पतली गली से निकलते हैं। ए जो, ये देखो मोटी गली। मोटी हो या पतली, बस निकलो। लेकिन कहाँ से याद है? हमारी वो डियर का है। हमारे आंगन में इतने झाड़ कहाँ से आ गए?
वाह, निकलो यहाँ से। यार मेरी नाकूड़। ए डाल्टन, तुम्हारी चिट्ठी आई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमें भूला नहीं है। बंदा इतना बुरा भी नहीं है। हाँ तो जाना उसकी शादी में और नागिन डांस कर क्या बात करता है। और इस फायर क्रैकर का नाम है द फायर फ्यूरियस ड्रैगन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जेलर साहब। मजा आ रहा है, मुझे भी एक रॉकेट जलाना है भाइयों। नहीं, उसे मत जलाना। उस रॉकेट को बाहर उड़ता हुआ देखकर एक मस्त वाला आइडिया आया। हे, शायद मैं मेरे ग्रह पर वापस लौट आया हूँ। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे कहते हैं रॉकेट से कल्टी खाना। लॉन्चिंग शुरू होता है इस काउंटडाउन के साथ। 3, 2, 1, 0। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं। भाई ये रॉकेट तो कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने कमरे में पड़े सारे पटाखों के बारूद इसमें डाल दिया है। उसके क्या जरूरत है खोचो। मैं तार क्यों रहा हूँ। हम नो ग्रेविटी जोन में है भाई। ये बड़ा सफेद बॉल जैसा क्या है सामने? शायद मून है। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये मेरा प्लेनेट है। क्या कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जेल में गार्ड्स की ऐसी मस्ती मत किया करो। जेल? कौन सी जेल? मुझे विश्वास नहीं आता, हम एक जेल में आके गिर रहे हैं। ये लोग कैदी जैसे तो नहीं लग रहे हैं। इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? इन्हें गए थे, यह कानून सख्त है। इन्हें 350 साल की सजा हुई है। भाई यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए अपने रॉकेट पर बैठकर घर चले जाते हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ मत बोलना, काफी गड़बड़ है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अब ये घोचू कौन है? ये हमारा डॉग शेरू है। कितना क्यूट है ना? क्या? चांद के कानून के तहत दूसरे ग्रह से आए कोई भी प्राणी को 850 साल तक मून लैब में रखा जाएगा। एक्शन! मेरे जाने के बाद यहाँ खेलने के लिए अलग अलग गेम्स दिखाने हैं। शेरू को भूलो और रॉकेट में चला। अपने पेट को बेघर करने की सजा है 170 साल की जेल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम्हें यहाँ से भागना है।
ठीक है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और प्लैनेट वापस भेज देता हूँ। लेकिन एक शर्त है, इन चारों एलियंस को तुम्हारे साथ ले जाओ। इन चार घोचों को साथ ले जाए? नहीं, डाल्टन हमेशा अकेले ही भागते हैं। विलियम, रॉकेट चला और क्या हम चले अपने प्लैनेट वापस। लगता है तुम्हें ढंग से भागना भी नहीं आता। हम डाल्टन से और अपने प्लैनेट पर भागने के लिए फेमस हैं। मेरी मदद से 5 मिनट में जाओगे। ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए हम इन चारों को साथ ले जाएंगे। ठीक है, फॉलो मी। जरा संभल कर, कैमरा हमें देख सकते हैं। अप्रैल का क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ भाई? जब तक ये रॉकेट में नहीं बैठेंगे मैं बटन नहीं दबाऊंगा। अब मैं भी आजाद हो गया। अरे हम कहाँ लैंड करने वाले हैं? ये भाई हम चाइना में, यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चारों वापस आ गए। तुम घन चक्रों ने मेरा सारा बारूद राख कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लैंड किया भी तो वापस जेल में। लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम घूम फिर के वापस जेल में जरूर आओगे। ये अजीब दिखने वाले लोग कौन है? भाई देखो, ये उड़ सकते हैं। अरे देखा भाइयों, ये उड़ के जेल के बाहर निकल गए। काश मैं अप्रैल को वही चांद पे छोड़ कर आता। नया खिलाड़ी आ गया है। वो चला गया, भागो यहाँ से। रेडी? क्यों ना अप्रैल को पहले भेजा जाए? अप्रैल तुम पहले जाओ। ठीक है, ये रस्सी बांधी और मैं चला। मैं जेम्स शर्मा। अच्छे संस्कार, ये मेरे एलियंस को बहुत पसंद आएंगे। शर्मा, जेम्स शर्मा, ये जेल से भागने में चैंपियन है। 20 बार कोशिश की और 20 बार कामयाबी। एक बार तो किसी राजा का भेष बदल कर निकल गया था। और हमारा स्कोर क्या है? 345 बार कोशिश और 345 बार नाकामयाबी, जिसमें एक बार तो तुम गुड़िया भी बने थे। चुप हो जा। डाल्टन्स उसका जिंदा सबूत है। डाल्टन्स यहाँ रहते हैं, सारा देश उनकी बातें करता है। ऐसा क्या? जब जब लोगों को हंसना होता है तब। ज्यादा उछलो मत लंबे बाल, हम तेरे से पहले यहाँ से भाग जाएंगे। जी, तुम देखना, मैं आज 7 बजे से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। सिक्योरिटी सावधान, हमारी इज्जत दांव पर है और तुम्हारा बोनस भी। तुमने अपनी फ्रेंड के लिए महारानी का हार चुराया था? क्या संस्कार है तुम्हारे। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम्हें ही मैं महारानी बना देता। चलो शेरू, अपने नए मालिक को कुछ करतब करके दिखाओ। इस कुत्ते का नाम तो घोचूचंद होना चाहिए। क्या ये डाल्टन्स का है? मेरे नए मालिक ने मेरी तारीफ की। अब हम दोनों साथ में मेरे ग्रह पर जाएंगे। ओह यस। क्या बात है!
मेरी मालिक का बॉल मुझे वापस ला कर देना ही होगा। मेरे मालिक आपका बॉल। Goodbye, Jets! जेम्स ने मुझे गिफ्ट दी, लेकिन ये हड्डी ऐसे क्यों दिख रही है? वाह! हम एक काम करते हैं, हम जेम्स के साथ ही रहेंगे और उसी का प्लान यूज करके भागेंगे। मधुमक्खी और डाल्टन्स में क्या फर्क है? स्ट्राइप्स की साइज। मधुमक्खी काट सकती है और डाल्टन्स को किसी ने काटा होता है। इसको पकड़ना जरूरी है क्या सर? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारी संस्कारी मैडम के साथ संस्कारी डांस कैसे कर पाऊंगा? जेम्स का है? बाँ, 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 सावधान, जेम्स भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी। अच्छा तो मैं चलता हूँ सर। दरवाजे के पास जाओ, वो वहीं से भागेगा, जल्दी। वाह, सभी मेरे ग्रह के लोगों के स्वागत में खड़े हैं। डाल्टन्स ने भी लाइन लगा ली है। पास के गांव के महाराजा महाराजा दाढ़ी चंद आए हैं। हमको तो लगता है दाढ़ी चंद 20 साल पहले ही मर गए। बचाओ, ये फिर से भेस बदल कर आया, लेकिन इस बार मैं आने दूंगा। शर्मा, ये सब हमें भटकाने के लिए था। रुको, रुक जाओ। वो रहा, घुटनों पर चल रहा है। मेरी शर्त और हमारा बोनस, मेरी इज्जत। मिस बेटे के लिए पार्सल और जेलर साहब के लिए लेटर आया है। अब हारने की बारी तुम्हारी है। वैसे भी तुम घोड़े के बिना भागते कैसे, ही तो बताओ। कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए और मैं हार गया। खैर, अब मैं थक गया हूँ, क्या तुम मुझे बाथरूम की तरफ ले जाओगे? सात बज गए और कोई भी भागा नहीं है, असली विनर तो मैं हूँ। मैं जेलर साहब, अपनी घड़ी टाइम पर करना मत भूलना, मैंने एक घंटा पहले कर दी थी। सावधान, जेम्स भाग रहा है, पकड़ो उसे। उसने घोड़े के साइडल्स काट दिए। जेम्स ने भेस बदला, जल्दी अब्रल, उसे पकड़ो, जा जल्दी। जो हुकुम मेरे आका। रोक सको तो रोक। अरे जेम्स बड़ा जीनियस है, सच में शेरों की तरह लग रहा है, लेकिन हर बार मेरा साथ क्यों? अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना काट सुन लेंगे। भास्कर लंबोचांद। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। अप्रैल, अगली बार याद दिलाना, तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में यह ऐड दी है, ये उस डेस्क पर था।
ये हाँ, एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आया? बॉडी माधव पी बॉडी, यहाँ का जेलर, और आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो तो हैंडसम बाबू। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। हे, ये, ये भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। ईश, ठीक है ना मोना मेम साहब? भैया, कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है, और वहां हम चार वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम चार वहां से चुपचाप रफू चेक करोगे। तू और मोना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ईश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए चार आए तीन। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गए। लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी रात देख रहे थे कि जो की मैं यहाँ हूँ तो जो का क्या काम? मोना जी, सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दम आलू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप मैं और चार। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ए, ये कैसी आवाज है? देखिए टूटता तारा, कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जलार। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। शोरों का पक्का छोड़ मुझे। जाओ, या, या। सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना मेरी मेम साहब, वापस आओ। जाओ, मेरी हड्डी टूट गई। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो, ना मैं मोना हूँ ना मैं मैडम हूँ, मैं जो जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई अलगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।